ऐसा जी पिछले महीने दिवाली वाले दिन 12 नवंबर को जो कारोर गांव में घटना हुई थी, उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हमारी सीआईए फर्स्ट टीम ने दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था, जिसमें प्रशांत फरीदाबाद से था और रोहित उर्फ मोटा टिटोली गांव का था। अभी कारोर केस में ये हमारे सीआईए फर्स्ट इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसआई विनोद, एएसआई मंजीत और एएसआई अमित के नेतृत्व में आईएमटी मानेसर भांगरोला गांव है जी, वहां से मुख्य आरोपी थे हमारे जतिन सनोप श्री भगवान वासी कारोर व सोनूर भोला, ये टिटोली के रहने वाले थे। इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और जिनको आज पेश अदालत किया गया था और 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इन्हीं के द्वारा अब कुछ दिन पहले ही दूसरी वारदात फौजी ढाबे पर की गई थी, जिसमें भी हमारे सीआईए फर्स्ट की टीम ने एक आरोपी कफीलू छोटू वासी टिटोली को भी गिरफ्तार किया है, जिसको पेश अदालत करके आज रिमांड पर लिया गया है। कोई बरामद इसमें जो फौजी ढाबे पर वारदात हुई है, जिसमें 4 पिस्टल कपिल कपिल को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 4 पिस्टल बरामद हुई है मर्डर वाले केस में, और जो मानेसर से गिरफ्तारी हुई उनके पास कोई बरामद उन्हीं से मिली है जी 4। जी। सर, कारोर हत्याकांड और ये जो फौजी ढाबे में जो वारदात हुई है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है? ये जो हमारा कंप्लेनेंट है जी, फौजी कृष्ण नाम था इनका, इनके लड़के कंप्लेनेंट है राजकुमार, इनकी शिकायत पर दर्ज किया गया। ये कारोर के ही रहने वाले हैं, इनकी पहले से रंजिश रही है। गेंगवार कह सकते हैं, गेंगवार देखो जी, गैंगवार ही कहेंगे हम तो। जो मुझे ढाबा पर जो वारदात हुई, इसके पीछे जो वारदात है, जो सनसनी फैलाना था या कोई उद्देश्य है मर्डर करना या कुछ और था? देखो जी, जो जतिन है मुख्य आरोपी, इनके जो चाचा ताऊ फादर है वो गुजर चुके हैं, ये अपना नाम दहशत फैलाने के लिए इस तरह की वारदात कर रहा है, उसको काबू कर लिया। तो आप गांव में क्या हालात है? अब गांव में फिलहाल शांति है जी, हमारे एसपी साहब के बरसे फरियाद थे, वहां गार्ड भी छोड़ी गई थी और गांव वालों की जो भी मांग थी हमने पूरी की है, अब फिलहाल शांति है गांव में। क्या पुलिस को ये भी पता चला है कि कोई स्लीपर सेल हो? क्या जी, इनका कोई स्लीपर सेल भी है? इस तरह को बात नहीं आई, जो कार पीछे कोई और भी है कोई ना अब तक कोई, जैसे ये आपने पकड़ लिए कोई और वारदात को अंजाम दे सकते? नहीं नहीं अब तक कोई बात नहीं। सर, साल 2002 से जो चली आ रही है खूनी रंजिश कारोर में, जी तो इसका क्या सर हम अंत माने या ये आगे भी इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा चलता देखो जी, रहेगा? पुलिस तो कोशिश कर रही है, अंत ही करेंगे हम तो जी। सर, सारे अभियुक्त गिरफ्त में पुलिस की कारोर हत्याकांड में जी जितने भी अभियुक्त हैं? जी, बाई नेम जो थे हमने सभी को अरेस्ट, आपने सभी को अरेस्ट कर? जी, इनके खिलाफ जो तीन और जो दूसरा इनके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज है? पहले ही मामले दर्ज थे जी, बताओ थोड़ा लंबा हो गया। क्या मामले दर्ज हैं? पहले स्नेचिंग का था जी, एक तो एक 307 में थे, जुनाइल में थे जब जी, मर्डर का मामला? नहीं, मर्डर का नहीं था, मर्डर का पहला ही थे। तो वहां ये छिपे हुए थे कोई वारदात को अंजाम? वहां छिपे हुए थे जी, तो वहां जिसके घर छिपे थे उनके लिए किसी की गिरफ्तारी हो गई? नहीं ना। अब टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी? वहां कमरा किराए पे लेके रह रहे थे जी, हमारे जो भी सूत्र थे उनके अनुसार। सर, कारोर हत्याकांड में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई होगी दिवाली के बाद से लेकर अब तक? 4 गिरफ्तारी हो गई। 4 गिरफ्तारी। सर, उनके नाम पता है? तुम पहले पकड़ा गया था जी, तो प्रशांत थे फरीदाबाद के, नंबर 2 थे रोहित उर्फ मोटा टिटोली के, अब हमने जतिन और सोनूर बोला टिटोली, 4 गिरफ्तारी हो। जो ये गुरुग्राम में कमरा किराए पे ले रखा था, अपने नाम से ले रखा था, नाम बदल के कमरा ले रखा था, क्या काम कर रहा है? इस चीज की पूछताछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रिमांड पे लिया जी हमने, 7 दिन के पे आगे पूछताछ होगी, जैसे भी होगी आपको सूचित करें।